स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर के साथ। तो दोस्तों आपको बता दें कि भीके एसयू का पल पल का खबर इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है और इस चैनल के माध्यम से छात्र हित में यानी छात्रों के मांग पर ही वीडियो कोई भी बनता है। तो छात्रों का जो फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो रहा है तो चलिए उस पर एक निदान आया है। इस पर यहाँ पर देख रहे हैं कि भीके एसयू यहाँ पर टाइप करना है। भीके एसयू टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसको डेस्कटॉप साइज कर लेना है, बट पार्ट वन पार्ट टू वीडियो बना दिए, इसमें थोड़ा सा ही बताना है हमको। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि जो सुबह हम वीडियो बनाए हैं उसमें यहाँ पे 19 होगा, अब अपडेट हो चुका है। यहाँ पे 20 से यहाँ पे 21 का ऑप्शन आ चुका है, पहले नहीं था, पहले 19 था, इससे घबराने वाला बात नहीं है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको चलिए क्या दिक्कत हो रहा है सबका, यही हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भीके एसयू का पल पल का अपडेट इस चैनल के माध्यम से हमेशा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बोर्ड है, देखिए आपके सामने ये बोर्ड हम चूज कर लिए। बोर्ड चूज करने के बाद आपका 12 पास किस साल में किए हैं, किस साल में किए हैं, तो चलिए ये 20 ले लेते हैं, 20 का लिए हैं। अब यहीं पे आप लोग मतलब क्या है कि हम रोल कोड पर बताए हैं और बहुत से छात्र का फॉर्म फंस जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बता दें कि रोल कोड एक डाल रहे हैं, जैसे रोल कोड जैसे 14001 डाल दिए। अब दूसरा बच्चा क्या करे कि 14011 डालकर फॉर्म फिलअप कर रहा है तो ऊपर ऑलरेडी लिख दे रहा है, ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। ऐसे बहुत से छात्र घबरा जा रहे हैं कि हमारा फॉर्म फिलअप नहीं किया और कैसे हो गया। तो चलिए आपको यहाँ पे कैसे फिल करना है ये हम यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले। तो चलिए इसमें क्या टाइप करना है, तो चलिए हमारे पास एक उदाहरण है, भरते हैं 1315। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके सामने ये रोल कोड भर दिए हैं। रोल कोड भरने के बाद आपके सामने ऐसा मोबाइल में, ऐसा देखिए मोबाइल में आपके सामने एक यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 के नीचे जो सिंबल है ये टाइप करना है। देखिए 6 के नीचे जो है ये टाइप करना है, 6 के बाद जो नीचे टाइप करना है, इसके बाद अपना रोल नंबर जो इंटर का है वो टाइप करना है। इसके बाद टाइप करने के बाद आपको नीचे भी यही टाइप करना है। चलिए से जल्दी टाइप कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने ये जैसे हम फिलअप किए हैं यहाँ पे ऐसे ही फिलअप करना है। सुबह हम रोल कोड पर ही वीडियो बना है और बाद में जैसा फॉर्म फिलअप करना है वैसे पार्ट वन और पार्ट टू देख कर भरना है। सबसे पहले यहाँ पर जो डाउट था ये आप देख लीजिएगा, ऐसा फॉर्म पहले देख लीजिएगा, ये फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद आपको बता दें कि रोल कोड के बाद यहाँ पे कैप्चा भरना है, इसके बाद मैं सहमत हूँ, इसके बाद प्रोसेस टू फॉर्म करना है। तो आपके सामने देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपके सामने ऐसा फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद पार्ट वन आप देख लीजिए, पार्ट टू देख लीजिए, पार्ट टू में और पार्ट वन में जो जैसा है वैसा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उसमें 10th का क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है उसमें भी रोल कोड और रोल नंबर डाल दीजिएगा। तो इतना ही था इस चैनल के माध्यम से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।